हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस के बारे में। तो इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, जिसमें सबसे पहले हम पहले पॉइंट पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस के बारे में। हम जैसे थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि बॉडी में एसिड और बेस दोनों जो होते हैं वो इक्वल मात्रा में होते हैं। अगर दोनों में से किसी एक में भी इम्बैलेंस हो जाए तो बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस के बारे में। यूजुअली प्रेजेंट क्लिनिकली एज अगर टिश्यू माल फंक्शन ड्यू टू डिस्टर्ब पीएच, अगर पीएच में डिस्टर्बेंस की वजह से टिश्यू का माल फंक्शन होने लग जाता है, मतलब टिश्यू होता है वो काम करना बंद कर देता है या फिर वीक हो जाता है, ऐसे बोल सकते हैं हम। और सेकेंड जो आएगा वो आएगा 2 डिग्री चेंजेस इन रेस्पिरेशन एज अ रेस्पॉन्स टू द अंडरलाइंग मेटाबॉलिक चेंजेस। ये तो होते हैं क्लिनिकली। एंड सेकेंड आएगा क्लिनिकल पिक्चर इज डोमिनेटेड बाई द कॉज ऑफ द एसिड बेस चेंजेस। क्लिनिकल पिक्चर इज डोमिनेटेड बाई द कॉज ऑफ एसिड बेस चेंजेस। एसिड बेस चेंजेस में अपन क्लिनिकल पिक्चर्स देखेंगे, उसके अंदर जो भी पार्ट डोमिनेटेड होगा वो इम्बैलेंस को बताएगा। थर्ड वन आता है क्लोरीन प्ले अ मेजर रोल इन द एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस में क्लोरीन मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज ये क्या करता है, HCl का प्रोडक्शन करता है बॉडी में, और HCl जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है। नेक्स्ट आता है वाटर कंटेन इक्वल कंपोनेंट ऑफ वाटर। क्या होता है, वाटर की पीएच होती है 7, और ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि इसके अंदर एसिड एंड बेस दोनों ही बराबर मात्रा में होंगे। अगर वाटर के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट मिला दिया जाए जो थोड़ा एसिडिक है, तो वाटर की पीएच चेंज हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। और या फिर वाटर के अंदर ऐसा कंटेंट मिला दिया जाए जो बेसिक है, ठीक है, तो उसके अंदर वो उसकी पीएच बेसिक हो जाएगी। यहाँ एसिडिक से मतलब एच प्लस आयन है, एंड बेसिक से मतलब यहाँ अपन पढ़ सकते हैं OH माइनस आयन है। देन हम एक डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले वाटर की पीएच होती है वो न्यूट्रल 7.0 होती है। अगर 7.0 से अगर पीएच कम हो रही है, इसका मतलब वो एसिडिक है, और अगर 7.0 से बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब बेसिक यानी कि OH माइनस आयन बढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं जैसे स्टमक है हमारे, स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl होता है, और HCl क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। उसके बाद सेकेंड आता है यूरिन। यूरिन जो होता है वो हल्का एसिडिक होता है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पीएच होती है वाटर, वाटर की 7 आएगी, और ब्लड, ब्लड की पीएच वाटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसका मतलब ब्लड क्या होगा, हल्का सा एल्कलाइन होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की जो पीएच होगी वो बेसिक होगी। ये तो हमने पढ़ा डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट आता है एसिड बेस इम्बैलेंस। एसिड बेस इम्बैलेंस से मतलब ये है कि अगर बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस है वो बिगड़ जाए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कहीं एसिड ज़्यादा हो जाए कहीं बेस ज़्यादा हो जाए, तो उस वजह से बॉडी में जो कॉज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है कि बॉडी में से क्या होगा, बाइकार्बोनेट का अधिक मात्रा में रिलीज होना, ठीक है। इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं कि आप एसिडोसिस के बारे में जानते हैं कि एसिडोसिस मतलब एच प्लस आयन का बढ़ना बॉडी में, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके कॉज के अंदर क्या होगा, ये अकर वैन एसिड अदर देन कार्बोनिक एसिड। अगर एसिड का फॉर्मेशन कार्बोनिक एसिड के अलावा किसी और से होने लग जाए तो एसिडोसिस होने लग जाता है, और जो एक्यूमुलेट इन बॉडी रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्लाज्मा बाइकार्बोनेट, जो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जमने लग जाता है, ठीक है, जिससे कि डिक्रीज क्या होगा, प्लाज्मा बाइकार्बोनेट, जिसमें प्लाज्मा में क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज होने लग जाएगा और एच प्लस आयन बढ़ने लग जाएंगे। इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, पहले जो कॉज है उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉज क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो इसके बारे में हम पहले पता करेंगे। देन अगला पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कि IV फ्लूइड रीसक्सिटेशन,
इज़ नीडेड ड्यू टू एसोसिएटेड वाटर एंड सोडियम डिप्लेशन। वाटर और सोडियम की डिप्लेशन की वजह से हमें आईवी फ्लूड के रिसक्सिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड आता है बाइकार्बोनेट इन्फ्यूज़न, और इसके बाद क्या होगा कि बाइकार्बोनेट का इन्फ्यूज़न करेंगे, और किन केसेस के अंदर करेंगे, जिसमें अंडरलाइंग कॉज कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एंड देन एसिडोसिस लेवल इज़ क्रिटिकल, जिसमें क्या होगा एसिडोसिस लेवल क्रिटिकल होगा और कॉज होंगे वो अंडरलाइंग होंगे, बाइकार्बोनेट इन्फ्यूज़न करेंगे उसके अंदर, क्योंकि बॉडी में एच प्लस आयन बढ़ रहे हैं, एसिडोसिस बढ़ रहा है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें बेस देना होगा, ठीक है, तो हम उसको देंगे बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एल्कलोसिस का मतलब ये है कि बॉडी में पीएच है वो 7 से ज़्यादा है, ठीक है, और या फिर हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है, एल्कलोसिस मतलब बॉडी में ओएच माइनस आयन की संख्या बढ़ रही है, यानी कि बाइकार्बोनेट है वो बढ़ रहे हैं, और उसको कम करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें एच प्लस आयन भी देने पड़ सकते हैं इसके मैनेजमेंट में। तो पहले हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द किडनी टू एक्सक्रीट द एक्सेस बाइकार्बोनेट आयन और टू रिटेन हाइड्रोजन आयन। ये एक किडनी की इनएबिलिटी है, किडनी की प्रॉब्लम है, जो कि जिसमें क्या होता है किडनी क्या करती है एक्सेस मात्रा में एक्सक्रीट बाइकार्बोनेट आयन को एक्सक्रीट नहीं कर पाती है, और वो इससे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन है वो रिटेन नहीं हो पाता और बाइकार्बोनेट किडनी में पड़ा रहता है, ठीक है, बॉडी में पड़ा रहता है, जिससे कि क्या होता है एल्कलोसिस, ओएच माइनस आयन की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजुअली एकॉम्पनीड बाय रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। इसके कॉज क्या होंगे, एक तो क्लोराइड रेस्पॉन्सिव मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा और दूसरा आएगा क्लोराइड अनरेस्पॉन्सिव मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, करेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग डिफेक्ट। सबसे पहले जो अंडरलाइंग डिफेक्ट है उसको करेक्शन करेंगे, देन अगला पॉइंट है करेक्शन एल्कलोसिस ट्रीटेड विद सेलाइन। जो एल्कलोसिस हुआ है उसको सेलाइन से ट्रीट करेंगे, NaCl से। सेलाइन से यह मतलब है नॉर्मल सेलाइन NS। नेक्स्ट जो कॉज है वो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब होता है कि लंग्स में या बॉडी में CO2 की मात्रा का बढ़ना, PCO2 का बढ़ना एसिडोसिस को बढ़ाता है। तो सबसे पहले इसका पहला पॉइंट आता है प्रेजेंट व्हेन द पीएच इज़ लो एंड द PCO2 इज़ एलिवेटेड। अगर ये बता रहा है कि बॉडी में पीएच है उसका लेवल कम है और PCO2 का लेवल क्या है बढ़ रहा है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बहुत सारी इक्वेशंस भी आती है एग्जाम्स में, इस पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कैसे पता लगाएंगे, हम देखेंगे पीएच और PCO2 का लेवल। अगर पीएच है वो नॉर्मल लेवल से कम है और PCO2 है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है, तो वहाँ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। सेकेंड पॉइंट इसका आता है टू टाइप्स बेस्ड अपॉन ईटियोलॉजी। इसकी ईटियोलॉजी के आधार पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला आएगा एक्यूट एंड सेकंड आएगा क्रॉनिक।